हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग, और ये जो व्लॉग है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो सूरजकुंड के बारे में जानते हैं, बट सूरजकुंड इज़ अ इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जहाँ पे इंडिया के अलग अलग सिटी से लोग आते हैं, मैक्सिमम सभी सिटी से लोग आते हैं, और यहाँ पे एक थीम बेस्ड होता है पूरा। फॉर एग्जांपल कभी कोई पर्टिकुलर सिटी स्टेट का होता है, कभी किसी का होता है, तो इस बार जो था वो थीम था जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर का प्रॉपर अपना अलग से सेटअप था, मोस्टली वहाँ के सारे लोग आए हुए थे, और जितना भी सेटअप किया था वो अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर किया गया था। देन इसमें कुछ होता है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करती है, जैसे टर्की थी इस बार, इस बार और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो मैं अभी इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो बेसिकली मैं जब यहाँ गई तो आई फेल्ट लाइक के पूरी कंट्री के लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज सब कल्चर के लोग वहाँ पे थे। यू कैन सी लाइक इंडिया में जितनी भी स्टेट के कोने कोने के लोग हैं, जैसे मान लीजिए सिक्किम है, साउथ है, नॉर्थ है आपका, या फिर आपका यूपी साइड जगह होती है, जितने भी लोग थे ना सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सो गाइज लेट्स गो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो यहाँ पे आपको जो शॉप मिलती है या जगह मिलती है, वो बेसिकली जो बंजारा मार्केट का सामान होता है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये मार्केट बहुत बड़ी है, लाइक लिटरली जब मैं बोल रही हूँ बहुत, तो सच में बहुत बड़ी मार्केट है। सो आपको बहुत टाइम लग सकता है इसको एक्सप्लोर करने में, एंड जनरली बताऊँ अगर आप जा रहे हैं तो बस छू के मत आना, इट विल टेक 5 to 6 hours प्रॉपरली टू एक्चुअली एक्सप्लोर दिस मार्केट। एंड यू कैन सी लाइक बहुत डिफरेंट और यूनिक चीज़ें होती हैं जो अपनी जगह की होती है, उनके जो वहाँ का पर्टिकुलर फेमस होता है वहाँ होता है। शॉप्स जो हैं वो 2000+ है, लाइक यस 1500 to 2000, तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी रहता है ये, मतलब कितना बड़ा मेला होता है। सो वही ना, टाइम बहुत लग जाएगा आपको पूरा ट्रैवल करने में, प्लस बहुत यूनिक, लाइक ऐसे मैं आपको दिखा भी नहीं सकती पूरी मार्केट, बस या मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रही हूँ। एज यू कैन सी दिस वन, ये था जम्मू कश्मीर का, लाइक ये बहुत ही प्रिटी लग रहे थे, बहुत ही एस्थेटिक वाली वाइब्स दे रहे थे। देवर बिट प्राइसी, लाइक थोड़ा महंगे थे, बट यस यही होता है, लाइक जो मेला वगैरह होता है उसमें सब प्राइसी होता है, बट हाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं एंड आपको कम पे पड़ जाएगा। लाइक यू कैन सी ये बांधनी साड़ीज़ है, ये सारी गुजरात से थी, कुछ थी जो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी यूपी साइड से, ये लाइक ये यूपी का है बिकॉज वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलते हैं ना, लखनऊ वगैरह का, वो यहाँ का था। सो इनके प्राइजेस ठीक थे, 600-650 ऐसे ही मिल रहे थे, बट ये बार्गेनिंग इस तक की यू नो हर जगह वही होता है। सो ये वाला था, ये मैंने एक्चुअली चांदनी चौक में देखा था, ये वाला घेरे वाला, ये पूरा प्योर जॉर्जेट पे चिकनकारी का वर्क किया हुआ था, प्रॉपर घाघरा टाइप था, बहुत प्रिटी था बहुत ज़्यादा। सो ऐसी आपको बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। देन आई फाउंड वन शॉप, ये राजस्थान की थी, यहाँ की जो ज्वेलरी होती है वो बहुत फेमस होती है। सो ये ओरिजिनल और प्योर पर्ल से बनी हुई थी, सो ये भी एक अट्रैक्टिव पार्ट था कि आप परचेज कर सकते हो। देन ये हैंड पेंटिंग्स, लाइक ये जितनी भी पेंटिंग्स थी सारी हाथ से बनाई हुई थी और बहुत अच्छी थी, इनकी डिटेलिंग्स बहुत अच्छी थी। लाइक मैंने जूम करके तो इस वीडियो में इतना शेयर नहीं किया, बट ये सारी हैंड पेंटिंग्स हैं। देन वी फाउंड सम स्टैचूज जो आप परचेज कर सकते हो। देन ये फोटो है, सो बेसिकली जो भी आप मार्केट में देखते हैं नॉर्मली शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे वो होम डेकर हो, क्लोथिंग हो, एप्रल्स हो, फुटवेयर हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन दिस यू हैव टू हियर इट फर्स्ट। सो आज का जो मेन था वो था उज़्बेकिस्तान, वहाँ के जो मेन जो लगा हुआ था वहाँ पे जितने भी स्टोर से लगे हुए थे वो सारे इन्हीं के थे, प्लस जो डांस कल्चर जो भी शो कर रहे थे वो इन्हीं का मेन था। सो आपको और भी कंट्रीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, एज आई टोल्ड यू बिफोर यहाँ पे टर्की भी था, यहाँ पे बाकी अलग अलग कंट्रीज़ भी थी, वो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है। सो देन आपको कारपेट्स वगैरह होम डेकर के लिए मिल जाएगा, इनके प्राइसेस बहुत हाई थे, लाइक सीरियसली 4-5000 rupees, बट डिस्काउंट करके यू विल गेट इट इन 1000।
सो मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे मैंने साड़ीज़ देखी और वो बहुत लाइट वेट थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी साड़ीज़ थी। आई रियली वॉन्टेड टू बाय देम, बट जो साड़ीज़ लाइट वेट होती है ना, जो अच्छी क्वालिटी की बनी होती है, वो ऐसी ही होती हैं। सो ये बहुत प्रिटी लग रही थी, थोड़ा बांधने प्रिंट था। सो यू नो ऐसी चीज़ें आपको बहुत मिल जाएंगी। ये बेसिकली गुजरात से थी। देन आपको हैंडमेड चीज़ें चाहिए, लाइक हैंडमेड की जितनी भी चीज़ें वो भी सारी मिल जाएंगी। अलग अलग सिटीज़ के लोग थे, अलग अलग स्टेट के लोग थे। फर्नीचर भी यहाँ पर था। ये जो फर्नीचर था, ये बेसिकली राजस्थान साइड का फर्नीचर था जो उन्होंने दिखाया हुआ था। वुडन की चीज़ें आपको वैसे तो बंजारा में भी मिल जाती है, बट यस यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, अलग था। सो आई रियली लव्ड जो भी चीज़ें वहाँ पे थी। सो नेक्स्ट जो थे वो ये हैंडमेड पर्स थे, ये निट करके बनाए हुए थे, निटेड थे सारे। सो ये भी अच्छे लग रहे थे, प्रिटी थे। देन आज का जो स्पेशल था वो लेटिन अमेरिकन नाइट था। यहाँ पे जो एक्चुअल में शो करने वाले थे वो सारे अमेरिकन जो थे वो आए हुए थे। देन आपको आगे जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्या है, अम्यूज़मेंट पार्क भी है। सो मैं वो भी दिखाऊँगी आपको, जहाँ पर आपको बहुत सारे यू नो झूले वगैरह मिल जाएंगे। देन एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे मेन जो था वो उज़्बेकिस्तान का था। सो ये सारे जो स्टॉल्स है सारे वहीं के हैं, वहीं के लोगों के जो फेमस क्लोथिंग का है या फिर होम डेकर का है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो प्राइसेस इतने हाई नहीं थे, लाइक जनरली हाई बोलते हैं, बट यू नो आपको बार्गेनिंग करनी है, बिकॉज वहाँ पे उनके पास सूरजकुंड वालों ने ही उन्हें एक वॉलंटियर दे रखा था जो जिससे आप बात बात कर सकते हो। देन यू कैन सी लाइक यू नो कि इतने टैलेंटेड लोग थे वहाँ पे। जब मैं गई तो ऐसा फील हुआ कि यार ओ माय गॉड, लोगों के पास कितना टैलेंट है, कितना टैलेंट है। बट ये हमारे हम इंडियंस के पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑल दो अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है, बट स्टिल मैंने कहा था टैलेंट की आपको कमी नहीं मिलेगी सूरजकुंड में। सो ये अम्यूज़मेंट पार्क है पूरा, यहाँ पे सारे झूले वगैरह है। ऑल दो लास्ट टाइम जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बड़े झूले थे, जो लाइक यू नो एडल्ट्स के लिए अच्छे होते हैं, बट इस बार थोड़े से कम थे। तो हम लोग नहीं गए अंदर, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। सो वी थॉट चलो ठीक है, बचपन में बहुत बाद में जी लेंगे। सो हम वापस मेले में जा रहे हैं, उसके बाद ये कोई टाइम से। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का था, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे हरियाणा की थी। सो या और ये अंकल थोड़े गुस्से में, एक्चुअली शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो अंकल से बाद में मिलते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। ये हमारी जनरेशन के लोगों ने समझाते हुए। सो ये बेसिकली जो चक्रे से जो भी चीज़ें बनती है ना, लाइक कपड़े बनते हैं या फिर कोई और चीज़ें भी मिलती है, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में बना रहे थे और दिखा रहे थे। एंड वी फील लाइक ओ भाई कितनी मेहनत का काम होता है यार ये, और यू नो फिर भी हम बार्गेनिंग वगैरह करते हैं। सो या देन दिस इज़ द पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी पिक्चर्स थी। और आपने देखा होगा बहुत पहले दरौती होती है जिससे हम एक्चुअल में गाय भैंस का वो चारा काटते हैं, या फिर वो एक मशीन सी होती है जिससे वो चारा कटता है, तो मोस्टली वो सारी चीज़ें थी। देन ये बहुत अच्छा था, मतलब लाइक हमने पूछा था बट लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा था। सो ये सारा एज यू कैन सी ये क्रोकोडाइल का फेस है, बैक देखोगे बैक के ऊपर क्रोकोडाइल का फेस बना हुआ है। सो विथ आज देम के लाइक ये ओरिजिनल है या फिर इट्स जस्ट
खुद से बनाया हुआ है, तो उन्होंने कहा था हमने खुद से बनाया है। देन वहाँ का जो बहुत फेमस फ्रूट होता है विटामिन के लिए वो भी था, प्लस उनकी वो हैंडमेड चीज़ें जो होम डेकर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें थी। सो एज आई टोल्ड यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ है, उनके अलग अलग कल्चर जो होते हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा। से हाय तो नेक्स्ट जो है ये टर्की का था, यहाँ पे सारी लाइट्स और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और गाइस सच बताऊँ तो महंगी भी नहीं थी, दे वर क्वाइट अफोर्डेबल। सो लाइक आप जाओगे तो आप सीरियसली अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप इजीली ले भी सकते हो। सारा हैंडमेड था, सारा हैंड प्रिंटेड था और हैंड पेंटिंग की हुई थी सब चीज़ों के ऊपर। सो बहुत ही अच्छा था, लाइक सीरियसली मुझे सब में सबसे अच्छी ये वाली स्टॉल लगी थी टर्की की। सो या देन मेरे भाई को पता नहीं क्या शौक चढ़ा कि मुझे पगड़ी बनवानी है, फोटो खिंचवानी है, फिर इंस्टाग्राम पे डालनी है, बेवकूफ़ लड़का। सो यू नो जो वहाँ का फेमस है, लाइक हरियाणा से जितने भी लोग हैं उनको आइडिया होगा कि वहाँ की पगड़ी बहुत फेमस रहती है, और वहाँ का जो कपड़े होते हैं वो जो कुर्ता होता है वो सब बहुत फेमस रहते हैं। सो या एंड देन ये था कश्मीर का घर, कि दिखाया हुआ था कि कश्मीर में जो घर होते हैं वो एक्चुअल में कैसे होते हैं। एज आई टोल्ड यू इस बार का थीम जम्मू एंड कश्मीर था, सो वो सारा दिखाया गया था कि वहाँ के घर कैसे होते हैं, वहाँ के नॉर्मली लोग कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे ऐसे दिखाई हुई थी। देन पंजाब, और मुझे लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है पंजाब में क्या चीज़ फेमस है। द एनर्जी एंड द ढोल, माई गॉड। सूरजकुंड में आने के बाद यू विल फील कि पूरा इंडिया आपको एक जगह पे मिल जाएगा, लाइक लिटरली। और इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज भी यहाँ पे है जो मैंने वीडियो में शेयर किया है, एंड आई जस्ट लव इट। मेला खत्म होने वाला तो मैं बस यही एडवाइस करूँगी कि आपको मेला था अंदर, अब यहाँ पे एक कुंड है, हम वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे यूजुअली जो गेस्ट होते हैं जो बाहर से आए होते हैं या फिर जो वीआईपी होते हैं पर्टिकुलरली उनके लिए है ये स्पेस। सो यहाँ पे एक्चुअली ये कुंड है, बहुत फेमस है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत लोगों की एक्चुअली डेथ भी हुई है, बट स्टिल इट्स अ रियली गुड प्लेस, लेट मी शो यू। एक्चुअली इसे नहीं दिखाना था, बट स्टिल दिस इज सो ब्यूटीफुल। So this is all for this video guys, I hope you enjoyed this vlog. So like, comment, share and subscribe to my channel. We'll meet in next video, bye.